तो गाइस काफी लोग का सवाल होता है कि यार हमें GTA 5 खेलना है और हमारे पास पुराना पीसी है और हमारा पीसी इतना पावरफुल नहीं है कि वो GTA 5 रन करा सके। तो आज का जो वीडियो है ये उन लोग के लिए होने वाला है जिनके पास ड्यूल कोर पीसी है लाइक, और जिन्हें मतलब GTA 5 खेलना है, जो Vice City खेल खेल के या San Andreas खेल के बोर हो चुके हैं, बट वो चाहते हैं कि यार हम हमारे सिस्टम को एक लिमिटेड बजट में इतना हम अच्छा बना दें उस पर हम लाइक GTA 5 जैसी गेम खेल सकें, हम वॉच डॉग्स खेल सकें, हम कुछ थोड़ी अच्छी अच्छी गेम्स भी हैं जो हम अपने सिस्टम पे खेल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यार जो आपका जो पुराना सिस्टम है लाइक LGA 775 सॉकेट वाला सिस्टम होगा, ऑब्वियसली अगर आपके पास ड्यूल कोर CPU है तो उस CPU उस मदरबोर्ड पे ही प्रोसेसर या GPU, आप ऐसा कौन सा GPU या ऐसा कौन सा प्रोसेसर लगा के आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं विद इन बजट ऑफ 5000 रुपीज। तो गाइस मैं आपको एक बात और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये जो वीडियो में पार्ट्स बताने वाला हूँ, ये अगर आप OLX पे ढूंढेंगे तो काफी अच्छी आपको वैल्यू फॉर मनी मिल जाएंगे, सेकंड हैंड में ढूंढेंगे तो न्यू लोगे तो फिर आपको न्यू जो ये पार्ट्स हैं वो कम से कम आपको 6-7 हज़ार रुपए लगेंगे। और वहीं अगर आप एक OLX से बाय करोगे, जैसे कि अगर आप रहते हो दिल्ली, नोएडा या फिर भोपाल की तरह अगर आप रहते हो, तो आपको वहां आपको ये पार्ट्स इजीली जो है अंडर 5000 रुपीज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। 5000 नहीं, अंडर मतलब अगर प्रोसेसर और जीपीयू तो आपको मेरे हिसाब से 3500 के अंदर मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे 3500 के अंदर अगर आप दिल्ली और नोएडा में रहते हैं तो। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि यार मेरा नाम है चेतन नायम और आप सब देख रहे हैं टेक नाइट इंडिया यूट्यूब चैनल, जहां पर हम बात करते हैं पीसी रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग की। अगर आपका इंटरेस्ट हो पीसी रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग में तो मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस देरी नहीं करेंगे एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस स्टार्टिंग में करूंगा कि यार जो आपका मदरबोर्ड जो है LGA 775 वाला, तो आपके पास LGA 775 वाला मदरबोर्ड होना इसका मतलब आपके पास कोई भी ड्यूल कोर जो है या कोर टू ड्यूल सीपीयू होगा आपके पास। तो अब आपको क्या करना है कि आपको लेना है इंटेल का Q8400। जी हाँ गाइस, ये जो सीपीयू है इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं 4 कोर 4 थ्रेड आपको देखने को मिल जाते हैं। बेस इसका है 2.3 GHz और बूस्ट है इसका 2.6 GHz तक इसका बूस्ट लॉक जाता है। ठीक है, तो काफी अच्छा प्रोसेसर है और वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर है। अगर आप इसे नया लेते हैं तो नया काफी सस्ता मिल जाता है फ्लिपकार्ट पे, आपको 1000 रुपए में इजिली ये जो है नया अवेलेबल हो जाएगा। एंड अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में ढूंढेंगे तो 400-500 रुपए में आपको इजिली कहीं पर भी टैली हो गया या फिर भोपाल हो गया, इन जगह आपको मिल जाएगा। बट जैसा मेरा एरिया है राजस्थान उदयपुर, यहाँ पे पीसी मार्केट नहीं है और यहाँ पे आपको 1030 का 710 भी सेकंड हैंड OLX पे नहीं दिखता, तो ऐसे एरिया में आपको 1000 रुपए दे के ही बाय करना पड़ेगा, आपके पास कोई चांस नहीं है और कोई चारा नहीं है। तो उसके बाद मैं बात करूँ ग्राफिक्स कार्ड की, तो जीपीयू जो है जीपीयू हम लेंगे GT 1030। जी हाँ, GT 1030 एक अच्छा GPU है। मैं 750 Ti भी बोल सकता था, आप 750 Ti भी ले सकते हैं, बट वही दिक्कत है लाइक किसी का अगर पावर सप्लाई 250 वॉट ही है, ठीक है, तो यार मैं नहीं चाहूंगा कि यार बंदे 250 वॉट में 750 Ti लगाए, तो मुझे मैं नहीं चाहूंगा उतना आप लगाने का रिस्क लें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आपके पास पुराने जनरेशन का पीसी है या पुराना पीसी तो आपके पास कोई घटिया सी पावर सप्लाई होगी एकदम, और 250 वॉट की घटिया सी पावर सप्लाई मतलब बहुत ही बकवास चीज होती है। तो 1030 जो है आपके ऑन बोर्ड से ही पावर लेगा, काफी अच्छा कार्ड है और आपको वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड मार्केट में 2500 से 3000 रुपए में आपको इजीली मिल जाएगा, और वो 1030 और Q8400 इज इक्वल्स टू मॉन्स्टर परफॉर्मेंस आपको, मतलब 3000 रुपए का कॉम्बो, 3500 का कॉम्बो आपको इतनी अच्छी वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर सकता है, ये आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है गाइस, तो ये चीज होगी। देन उसके बाद आपके पास अगर आपके पास ड्यूल कोर सीपीयू है या तो आपके पास DDR3 मदरबोर्ड होगा या DDR2 मदरबोर्ड होगा। अगर DDR2 मदरबोर्ड है और आपके पास पहले से 2 GB RAM है तो आप एक 2 GB RAM और खरीद सकते हैं, क्योंकि DDR2 में 2 GB RAM स्टिक से आती है। 4 GB RAM एक बार के लिए यहाँ पे आप अपने बैकग्राउंड सारे प्रोसेसर बंद करके और अपना गेम चला सकते हैं, तो आपको इजीली जो है मिल जाएंगे कम से कम 720p लो सेटिंग्स पे, आपको कम से कम 60 FPS आराम से मिल जाएंगे 720p लो 4 GB RAM 1013 2400 में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो है कुछ टेस्ट पेन सिस्टम लिया है और मैंने लिया Q8400 1030 DDR3 मदरबोर्ड और 6 GB की DDR3 RAM लिया मैंने। 6 GB RAM अवेलेबल था तो 6 GB RAM मैंने लिया, और बेंचमार्क्स के लिए मैं मेरे दोस्त को काफी धन्यवाद देना चाहूंगा नीरज डांगी को, जिसने मुझे बेंचमार्क प्रोवाइड करा है। तो बेंचमार्क आपकी स्क्रीन के सामने है 1030 2400 के, जो बेंचमार्क जो है वो सारे 720p नॉर्मल सेटिंग्स पे है, 60 FPS हमारा टारगेट है, हम ऐसी कौन सी सेटिंग्स लगाए जिससे आप 60 FPS अचीव कर पाए GTA में, और बेंचमार्क आपकी स्क्रीन के सामने। We'll be right back.
सो गाइस बेंचमार्क देख के आपको पता लग ही गया होगा कि यार आपको किस लेवल का जो है गेम प्ले एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। मैंने 1080p बेंचमार्क नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, अगर आपके पास ड्यूल कोर टाइप का पीसी है तो आपके पास 1080p मॉनिटर नहीं होगा। 1080p पे भी कम से कम आपका 30-35 FPS या 40 FPS के करीब आपका इजीली निकाल देगा, लो सेटिंग्स पे कोई दिक्कत नहीं, वो भी मैंने ट्राई करके देखा है, ठीक है, तो उस पर भी निकाल देगा। बट मेजोरिटी जो लोग हैं 90-95% जिनके पास ड्यूल कोर सीपीयू है वो 720p मॉनिटर यूज करते हैं। यार अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आप अगर मतलब मॉनिटर में ही 10,000 rupees अगर इन्वेस्ट कर देंगे तो आपके पास मतलब फिर तो कोई सेंस ही नहीं रहना, तो फिर आप 5,000 का कॉम्बो क्यों बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है 720p बेंचमार्क से मैंने आपको शो करें। सो गाइस आज का जो वीडियो था वो इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल से अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।